दुनिया में जब भारत अपना पहला स्वदेशी और दूसरा आईएसी विक्रांत पेश कर चुका है, तब भारत का धुर विरोधी चीन अपने चौथे एयरक्राफ्ट करियर पर तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भारतीय नौसेना को दूसरा एयरक्राफ्ट करियर सौंपा और पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से भारत में दूसरे एयरक्राफ्ट करियर का निर्माण कार्य चल रहा था, जो पिछले महीने नौसेना में शामिल हो गया। लेकिन भारत का पक्का दुश्मन चीन अपने चौथे एयरक्राफ्ट करियर के निर्माण कार्य में जुटा है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन यह एयरक्राफ्ट करियर परमाणु ऊर्जा से चलाने वाला है। चीन अगर परमाणु पनडुब्बी का निर्माण कर लेता है तो चाइनीज नेवी की क्षमता में अभूतपूर्व उछाल आ जाएगा और जाहिर सी बात है कि चीन की शक्ति में इजाफा होना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। खुद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में यह बताया गया कि चीन ने इस साल फ्यूजियान एयरक्राफ्ट करियर को अपनी नेवी में शामिल कर लिया है और ऐसे में चीन का अगला एयरक्राफ्ट करियर परमाणु ऊर्जा से संचालित हो सकता है। वहीं चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन यानी CSSC ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से संचालित एयरक्राफ्ट करियर का 2027 तक निर्माण करना चीन की परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। हालांकि चीन सैन्य मामलों के सोशल मीडिया अकाउंट वेव ऑफ साउथ चाइना सी के एक लेख में कहा गया कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाली कंपनी CSS को अभी तक सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। हालांकि काम जोरों पर है और उम्मीद यही है कि इसे इजाजत मिल जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट तकनीक चीन हासिल कर लेता है तो इसे लेकर उसे बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। डीजल से चलने वाला विमान वाहक पोत चीन की जरूरत के लिए सबसे अनुकूल होगा। हालांकि पहली बार नहीं है जब चीन ने परमाणु संचालित विमान वाहक पोत को बनाने की कवायद शुरू की हो। इससे पहले मई महीने में एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने फरवरी 2018 में एक परमाणु संचालित वाहक विकसित करना शुरू कर दिया है जो 2025 तक PLA नौसेना की मदद करेगा। इस विमान वाहक पोत को अस्थायी रूप से टाइप 003 नाम दिया गया। CSSC के दस्तावेजों से यह पता चला कि एयरक्राफ्ट करियर को यह नया क्लास 90,000 से 1,00,000 टन के बीच हो सकता है और इसके डेक पर विमान को उतारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल असिस्टेड लॉन्च सिस्टम यानी EMALS कैटापोल्ट्स लगा सकते हैं। इसमें J-15 फाइटर्स, J-31 स्टील फाइटर, KJ-600 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर और स्टील्थ अटैक ड्रोन का एक बड़ा एयर विंग ले जाने में सक्षम होगा। चीन का जब यह परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद चीन टाइप 055 क्रूजर और अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों के साथ भागीदारी करते हुए पूरी दुनिया के समंदर में दुनिया के अलग अलग कोनों में कई मिशन एक साथ लॉन्च कर सकता है जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।